राम राम किसान भाइयों, मैं सोनू जामलिया आज आपको बताने जा रहा हूँ साजापुर मंडी आलू प्याज और लहसुन की आव के। किसान भाइयों, अगर आज तारीख की बात करें तो 28 दिसंबर वार गुरुवार का है। किसान भाइयों, अब हम जान लेते हैं आज साजापुर मंडी में आलू प्याज और लहसुन तीनों जिनसों की कितनी आवक देखने को मिल रही है। किसान भाइयों, यहाँ पे ये प्याज की आवक देखने को मिल रही है और यहाँ पे आलू की आवक देखने को मिल रही है। किसान भाइयों, थोड़ी बहुत आलू की आवक देखने को मिल रही है। यहाँ पे किसान भाइयों, यह प्याज की आवक देखने को मिल रही है। देख सकते हो आप यह प्याज की आवक। ये किसान भाइयों, आलू की आवक थोड़ी बहुत देखने को मिल रही है यहाँ पे, देख सकते हो आप। ये किसान भाइयों, देख सकते हो आप लहसुन बहुत कम कट्टे की आवक देखने को मिल रही है यहाँ पे, देख सकते हो वेदांत पे धर्मेंद्र बिलोटिया के प्रचार द्वारा। ये किसान भाइयों, यहाँ पे प्याज की आवक और साथ में आलू की आवक देखने को मिल रही है। ये देख सकते हो आप, ये थोड़ी बहुत प्याज की आवक यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये किसान भाइयों, थोड़ी बहुत पाटीदार ट्रेडिंग कंपनी पे आलू की आवक। ये किसान भाइयों, गुरु कृपा पे थोड़ी बहुत प्याज की आवक देखने को मिल रही है। ये थोड़ा बहुत प्याज की आवक यहाँ पे देखने को मिल रही है, थोड़े बहुत यहाँ पे देखने को मिल रही है। किसान भाइयों, यहाँ पे यह आलू की आवक देखने को मिल रही है। कल से यहाँ भी आलू की आवक बहुत कम देखने को मिल रही है, आप देख सकते हो। किसान भाइयों, देख सकते हो यहाँ पे यह आलू की आवक देखने को मिल रही है। अगर किसान भाइयों, साजापुर मंडी में प्याज की आवक की बात करें तो 300 से 400 कट्टे कुछ समथिंग प्याज की आवक देखने को मिल रही है। अगर लहसुन की आवक की बात करें तो यही 300 कट्टे 200 कट्टे कुछ समथिंग लहसुन की आवक देखने को मिल रही है। और किसान भाइयों, अगर आज साजापुर मंडी में आलू की आवक की बात करें तो 500 से 600 कट्टे कुछ समथिंग आलू की आवक देखने को मिल रही है। और मैंने फड़ का व्यू बता दिया है, तो आप भी अनुमान लगा सकते हो कि साजापुर मंडी में आलू प्याज लहसुन की कितनी आमदनी देखने को मिल रही है। किसान भाइयों,